अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है, और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने।
अब देखते हैं सुदामा जी की जिद। अब मेरी भी सुन लो, जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। हे साथी, यह ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होंठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया। सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। मनोहर सिंह जी, आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ। महाराज क्षमा चाहता हूँ पर कारण ही कुछ ऐसा है, द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को। रुक क्यों गए, आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, क्या कहा, सुदामा, मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका। महाराज 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 महा
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।